जापान में एक जानलेवा बीमारी तेजी से फैल रही है। यह बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है। कोरोना वायरस के बाद जापान में खतरनाक बीमारी ने दस्तक दी है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसके होने भर से सिर्फ 48 घंटे के भीतर ही लोगों की जान चली जाती है। बीमारी का नाम है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, यानी कि STSS। इसमें बैक्टीरिया मरीज के शरीर का मांस खाने लगता है। जापान में अब तक इस बीमारी के 977 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीमारी के लक्षण क्या है, इसका बचाव क्या है, चलिए आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। जापान में फैली मांस खाने वाली बीमारी ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। बता दें कि इससे संक्रमित लोगों में सबसे पहले सूजन और गले में खराश होती है। इसके अलावा शरीर में दर्द, बुखार, लो ब्लड प्रेशर, नेक्रोसिस जिससे शरीर में टिश्यू मर जाते हैं, सांस लेने में समस्या, ऑर्गन फेलियर जैसी समस्याएं भी होती हैं। इसके कुछ घंटों में व्यक्ति की मौत हो जाती है। स्ट्रेप्टोकोकस बीमारी अब यूरोप के 5 देशों में फैल चुकी है। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड और स्वीडन शामिल है। यहाँ इस बैक्टीरिया ने सबसे ज्यादा बच्चों पर अटैक किया है। टोक्यो की महिला डॉक्टर केन फुकुची के मुताबिक पहले मरीज के शरीर खासकर पैर में सूजन दिखती है, फिर कुछ घंटों बाद ये पूरे शरीर में फैल जाती है। इसके बाद 48 घंटे के भीतर ही इस मरीज की मौत हो जाती है। किकुची ने लोगों से बार बार हाथ धोने और खुले घावों को तुरंत इलाज कराने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीमारी जिस दर से बढ़ रही है, इसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में जापान में हर साल इस बीमारी से 2500 मामले आ सकते हैं। वही इस मृत्यु दर 30% तक पहुंच सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक बीमारी से बचने के लिए इसकी जल्दी पहचान, देखभाल और तुरंत इसका इलाज जरूरी है। STSS से निपटने के लिए बाजार में जीएट नाम की वैक्सीन भी मौजूद है जो शरीर में एंटीबायोटिक बनाती है। बड़ी बात यह है कि बीमारी एक व्यक्ति के दूसरे में भी फैलती है। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान पब्लिक हेल्थ इंटरप्रेक्चुअल डॉक्टर जगदीश हिरमेट ने बताया है कि बैक्टीरिया शरीर में जहरीला पदार्थ पैदा करता है जिससे जलन होने लगती है, फिर यह शरीर में टिश्यू को डैमेज करता है जिससे सूजन फैलने लगती है। इसके बाद टिश्यू मरीज के मांस को खाने लगते हैं जिससे तेज दर्द होने लगता है। जापान के डॉक्टर हिरमेट ने बताया है कि देश में इस बीमारी से लड़ने के लिए हेल्थ अथॉरिटीज लगातार हालात का जायजा ले रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। इसमें बीमारी की गंभीरता और खतरों के बारे में बताया जा रहा है। जापान के सभी अस्पताल को अलर्ट पर रखा है। उन्हें STSS के मरीजों को तुरंत इलाज के लिए गाइडलाइंस भी दी गई है। किसी अन्य बीमारी की तरह ही STSS का खतरा बच्चों और बुजुर्गों में ज्यादा होता है। इस बीमारी के ज्यादा मामले भी 50 साल से अधिक उम्र वालों में आते हैं। खुले घाव वाले लोगों में STSS का खतरा बढ़ जाता है। इससे वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनकी हाल ही में सर्जरी हुई हो या कोई वायरल संक्रमण हुआ हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ टेक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।